सतांग प्रसंग्याद मम वीर संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा तज्जोषना दासु अपवार्गवत्मनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमेश्वति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए अगर किसी का मंगल नहीं कर सकते सिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए अगर किसी का मंगल नहीं कर सकते तो उसका कोई भी चीज ग्रहण करना नहीं चाहिए। किसी से कुछ चीज लेने का मतलब है आपका भजन से कट के उधर उसका हाथ में जाए। किसी भी चीज लेने का पहले सोच लो कि उसका तुम मंगल कर सकोगे कि नहीं। अगर नहीं कर सकोगे उससे कोई खाना भी नहीं है, कुछ लेना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नियम है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी को राजा मनिंद्र चंद्र जी ने बुलाया था। राजा मनिंद्र चंद्र जी ने बुलाया था हरि कथा के लिए। जितने सारे बड़े बड़े महात्मा हैं सबका जिंदगी में ऐसा ही हुआ है, झंझट, जितना सारे आक्रमण, जितना सारे बेईमानी, सब उसका साथ ही होता है। क्यों? वो चरम मंगल चाहता है ना, तो इसीलिए उसका ही जिंदगी में ऐसा सब होते रहता है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को राजा मनिंद्र चंद्र ने बुलाया था। हमने पहले ही हरि कथा भी बहुत सारे बार बोले हैं। बोले उधर जाके जब राजप्रसाद में एक जगह मंदिर था, मंदिर में रहने के लिए व्यवस्था हुआ, सब कुछ हुआ, विमला प्रसाद सरस्वती उस समय प्रभुपाद, तो जब हरि कथा का समय आया, जब पहुंचे शाम को हरि कथा के व्यवस्था था, लेकिन हरि कथा जब बोलने गया वंदना करके 5-10 मिनट भी बोला नहीं, प्रभुपाद जी को चुप कराए दिया, चुप हो जाओ बोलने का दर करना, सब चुप हो जाओ, बंद करो ये सब। प्रभुपाद जी जब शुरू किया 5-7-10 मिनट भी बोला नहीं, उसको बोला बंद करो आप ये सब हरि कथा। क्यों, क्या कारण है? वहां जो राक्षस लोग थे, राक्षस जितना सारे दैत्य दानव, ये सब हरि कथा का खिलाफ है। वो लोग जानते हैं कि अगर ये सब कथा प्रभुपाद बोलते रहे तो हमारा बाजार खराब हो जाएगा, हमारा जो बाजार है, मार्केट है, वो खराब हो जाएगा। आजकल इसी बात का दुख है, किसी जगह हरि कथा बोलने जाओ तो यही समस्या आ रहा है। सब सोचता है कि हमारा मार्केट, जैसे बिजनेसमैन करता है ऐसे, इसलिए अच्छा भी नहीं लगता, स्फूर्ति भी नहीं होता। परिवेश होना चाहिए कथा का। जो भी है, प्रभुपाद जी 5-7 मिनट बाद बंद कर दिया कथा, उधर से उठ के चले आए और 3 दिन तक प्रभुपाद वो मंदिर में रहे और पानी तक नहीं पिए। खाना तो प्रसाद तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पिए। सोने के थाला करके मदन मोहन का भोग पूरा प्रभुपाद के पास भेजा डेली, सोने के थाला, लेकिन प्रभुपाद वो सब प्रसाद सब लोग को बांट दिए, एक बूंद भी खाए नहीं, एक बूंद भी प्रसाद पाए नहीं। और 3 दिन बाद जब प्रभुपाद मायापुर को चलने का प्रयास की प्रचेष्टा, तो राजा मनिंद्र चंद को पता चला, जब प्रभुपाद स्टेशन में चले गए, स्टेशन तक चले गए बहरमपुर स्टेशन पे, राजा मनिंद्र चंद को किसी ने खबर दिया प्रभुपाद 3 दिन तक पानी तक नहीं पिया। ओ महाराज, रोते रोते गया और पैर में गिरा, बोला हम मर जाएंगे, आप कृपा करो, क्षमा करो। तो प्रभुपाद जी ने बताया, देखो हम प्रसाद इसलिए नहीं पाए कि आपका कोई मंगल हम नहीं कर पाए। कोई भी विषय आदमी कुछ भी दे,
वो तो जोर जबरदस्ती देगा, हम क्या करें, हमारा शरीर चलने के लिए जितना जरूरी है उतना ही लेंगे, बाकी तो लेंगे नहीं। अब वो लोग ऐसा करते रहे। किसी का मंगल करने का मतलब है उसको बद्ध अवस्था से मुक्त कर कर ले जाओ। अब ये कब हो पाता, जब किसी का हरि कथा कीर्तन में लगन है। अगर हरि कथा कीर्तन में कोई लगन नहीं है, संत महात्मा को कुछ दे दो और उसका बदले में हमारा संसार का उन्नति हो जाए, जोर जबरदस्ती दो, एक ही हो भक्ति हुआ। समझ में नहीं आता कौन भक्ति का चर्चा नहीं होता क्या, बिल्कुल कोई भक्ति का चर्चा नहीं होता, ये सब बुद्धि खराब हो जाता, इसमें नुकसान होता है। वो जहां परिवेश हो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। गोष्ठी भजन में यही विशेष है, हर व्यक्ति भजन करते रहे, सबका उद्देश्य एक है तो भजन तो एकदम मस्त होगा, दारुण भजन। और अगर एक एक व्यक्ति का उद्देश्य अलग अलग हुआ तब तो रैप्चर होगा, रैप्चर मतलब संघर्ष होगा, मुश्किल है। उसमें जो अपराध मंदिर के अंदर होते रहेगा, पूजा मंदिर में, ऋषि का घर में जो अपराध होते रहे, वो सबको भोगना पड़ेगा। सब ठाकुर जी लेंगे नहीं, पूजा नहीं लेंगे, खाना नहीं, तो क्या कैसे जियोगे। ऐसा करके तमाम जाएगा, मुश्किल हो रहा है, बड़ा भारी मुश्किल। बहुत सावधान से हम ये सब हिंसा करके नहीं बता रहे, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि वो इसको जानकारी हो जाए और सही ढंग से भजन करना शुरू कर दे। ये जो सताम प्रसंग्याद इत्यादि श्लोक का चर्चा हुआ था, आपको शायद याद है, हमने पहले भी बताया था, जब कुपिल जी महाराज द्वारा देवावती मैया का जो उपदेश है, वो जो सांख्य योग उपदेश, हमने पहले भी कई बार कह चुके, जो अलग अलग से हम कुछ नहीं बोलेंगे, सांख्य योग जब चर्चा करेंगे, सृष्टि का विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, बहुत गंभीर विषय है ये सब। और इधर जो है सांख्य योग और सृष्टि का थोड़ा बहुत बताएंगे, काल चर्चा अच्छा हो नहीं पाया। यहाँ जो है आपका देवावती मैया को उपदेश देते देते यहाँ तक आया, काल चर्चा किया जे संत महात्मा जो है इसका लक्षण क्या है। क्योंकि कोपिल जी महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही, बता दिए कि प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवयो विदु स्वयव साधु सुखता मोक्षदारम अपावृतम, ये सब चर्चा हो। इसके बाद साधु का लक्षण बताया, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। शांत मतलब शांत, कृष्ण भक्त तो निष्काम होते हैं, इसीलिए स्वाभाविक उसका दिल में शांति भाव रहता है। शांति में अशांत भाव, कृष्ण भक्त तो अशांत, कृष्ण भक्त तो शांत, और भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत, एकमात्र कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये निष्काम होना कोई मामूली बात नहीं, ये निष्काम होना कोई मामूली बात नहीं। परम और चरम वस्तु का जब तक दर्शन ना हो जाए, अनुभव ना हो जाए, तब तक किसी का दिल में शांति भाव नहीं आ सकता। जब तक चरम विषय का उपलब्धि ना हो जाए, श्रीमद् भागवत गीता जी में भगवान जी का कहना है जे रसोवर्यम रसोपास्य परम दृष्टा निवर्तन, तुम्हारा ये जो जड़ रस है कब छूट जाए, बोले आपका जड़ रस तब छूट जाए जब आपको अप्राकृत रस मिलेगा। जब तक अप्राकृत रस नहीं मिले तब तक आपका जड़ रस नहीं छूटेगा, कितना भी चेष्टा करो। अगर छोटो कि हम अच्छा खाना छोड़ दें,
अच्छा सोना छोड़ दे अपना कुछ भी होगा नहीं, सूखा वैराग्य होगा। जैसे इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का वैराग्य का बारे में नवद्वीप धाम में तथा गौर मंडल में बहुत जगह चर्चा होता था, विशेष करके मायापुर धाम में और जितना सारे जो हमारा नवद्वीप धाम का जो उसमें सारे मुसलमान लोग मुसलमान भाई वो भी कहते थे ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जो वैराग्य है आश्चर्य वैराग्य, वो लोग भी मुसलमान लोग भी कहते थे बड़ा आश्चर्य का वैराग्य है, ऐसा वैराग्य है बाप रे। लेकिन एक व्यक्ति एक पखंडी हिंसा करके बाबा जी महाराज का नकल शुरू किया। बाबा जी महाराज किसी से कपड़ा मांगते नहीं थे, कोई कहेगा देने आए तो भी नहीं लेते थे, हम लेके क्या करें, जोर जबरदस्ती देने आए बोला हमको मांग दो, हम नहीं लेते नहीं थे। अगर दो एक चीज ले भी लिया जैसे कोई चादर लेके आया तो कभी कभी उसका कीपा उसको कीपा करने के लिए वो ले लेते थे, दाओ लेके रख दिया। उसके बाद कपड़ा को देखना देखते थे, ऐसे वाह बहुत सुंदर कपड़ा बहुत सुंदर चादर, वो सोचते थे कि बाबा जी महाराज के बड़ा लोभ हुआ चादर का उपहार। लेकिन बाद में क्या करते थे वो सब इकट्ठा करके कोई वृंदावन में जाए तो उसको बांध के बोले ये सब जो चीज है कपड़ा चादर है अच्छा चीज है सब वो उधर जो भजन करते हैं उसको दे देना, उधर साधु लोगों को बांट देना। महाराज जी का विचार था हम भजन नहीं करते, हमारा भजन नहीं है कैसे ले दूसरे का चीज, ऐसा करके महाराज बांट देते थे। मेरा गुरुजी को भी देखा कोई अगर दिया तो कुछ ऐसा करके रख देते थे, लेकिन वो नीचे अपना व्यवहार में नहीं लगाते थे, सब दे देते थे नियम नहीं। जब किसी का मंगल नहीं कर पाओ तो उसका कुछ लेना भी नहीं, ऐसे तो नियम है बहुत कट्टर नियम। ऐसा मामूली बात ना भजन, आप सोचो कि ये हरे कृष्ण का भजन हो गया, क्या सोचते हो एक संत महात्मा का साथ रहो रह के देखो वो क्या करता है, उसका साथ रह के देखो तो पता चलेगा कितना शुद्धता है कितना विचार है, नहीं तो कैसे भजन हो। गीता का उस श्लोक का हम चर्चा करें बाद में। परम पूज्यवाद केशव कुशी महाराज के समय में आपने शायद सुने होंगे गिरिजा पिसीमा, आपका पिसीमा हमारा तो पिसीमा नहीं, हमारा तो गुरु बहन लगे, गिरिजा माँ जो गिरिजा माँ का जो लड़का है वो भी भजन करता है, हम को वो श्रद्धा रखता है मेरे ऊपर। कलकत्ता में उसका ये है पानीहाटी कुंज खरदा कहाँ है गया नहीं बुलाया था। तो गिरिजा माँ जब उसका हरिनाम हुआ था दिखा भी नहीं हुआ, दिखा नहीं हुआ था केशव कुशी महाराज से, उस समय में एक दफे भंडारा चल रहा था तो गिरिजा माँ इतना बड़ा वैष्णवी है, हरिनाम हुआ था दिखा नहीं हुआ था। मेरा बोलने का क्या मतलब है थोड़ा दिमाग में घुसा, उस समय भंडारा हुआ रहा भंडारा का व्यवस्था हुआ, भंडारा में सारे जो भक्त लोग अमानिया कर रहे हैं कुछ कुछ सेवा कर रहा है सब बड़ा संधु का भंडारा। उस समय में गिरिजा मैया ने थोड़ा जो आधा है ना आधा जान अदरक और सारे बाकी जो लंका है थोड़ा बहुत तो अमाना करना शुरू कर दी। एक भक्तों ने तू आके जब रोसोई करने के लिए जा रहा है उसको बोला आपका दिखा हुआ, मन नहीं हमारा दिखा हुआ हुआ नहीं, बोझे जितना सारे अदरक अमानिया था जितना सारे लंका था सारे जाके जंगल जंजाल में फेंक दिया, पर अब क्यों अमानिया करने बैठे हो, अब क्यों हम देखो क्या नियम था, आज तो सस्ता हो गया, साधु भी सस्ता नियम भी सस्ता, हमको तो रोना आता है, हमको आज जाने की इच्छा नहीं किसी जगह, कोई मतलब नहीं है कोई समझता नहीं, पूरा देखे सर जंजाल में फेंक दिया। आओ महाराज तो रोना शुरू कर दिया मैया, बोले नियम नहीं है, जो नियम है इसी को मुताबिक हमने किया, उपाय नहीं। पौपात का जमाने में जिसका हरिनाम हुआ वो पानी भी दे नहीं दे सकता पानी, संतोष प्रभु या हमारा बामन गोस्वामी महाराज वो पता फता ये सब देते थे तो महात्मा नित्य जगत, फिर भी इतना नियम था, आजकल नियम कुछ नहीं, इसीलिए भजन भी नहीं बन रहा।
किसी का अगर मंगल नहीं कर सके तो उसका कुछ लेने का अधिकार मेरा नहीं है, हम ले नहीं सकता। अगर वो हमारा चीज ले सके तो उससे कुछ हम ले सके, चलो उसका मंगल के लिए, नहीं तो संभव नहीं, हम ले नहीं सके। वो अगर भजन करे, हम देखे उसका मंगल हो रहा है, हरिकथा सुन रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है, तो हम थोड़ा बहुत स्वीकार करें, नहीं तो नियम नहीं है, इसमें उल्टा हो जाए। जो भी है संतों का लक्षण थोड़ा बताया था कल, तितिक्षवो कारों ने कहा सुविधा, ये सब बात बताया। इसके बाद और दूसरा एक लक्षण बताया, और एक बात है जहां एक ध्यान रखना, हमारा जिंदगी में एक हर वक्त ये परीक्षा करके हम देखा, जहां मत्सरता है, जहां हिंसा है, वहां मेरा कथा निकलता नहीं, कहीं मुखस्त किया हुआ बात नहीं ना, होगा ही नहीं, हम परीक्षा करके देख लिया, बहुत मुश्किल। और यहां जो है, मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये धीराम मत कृते त्यक्त कर्मण त्यक्त सज्जनो बांधवा। मई अनन्य न मई मता, हम हमारा ऊपर अनन्य भाव लेकर, मई अनन्य न भावे न भक्तिम कुर्वन्ति ये धीराम, जो हमारा ऊपर प्रेम करके प्रीति करके दिलो भक्ति करता है, भक्ति मतलब सेवा। पहले भी हम आप बात को उठाया, अभी जब तक पर वस्तु परम वस्तु का दर्शन नहीं हो पाता, तब तक आपका जिंदगी में जो लोभ लालसा है, कामना वासना, ये छूटने वाला नहीं। जब तक आपका जिंदगी में पर वस्तु का दर्शन ना हो जाए, गुरु वैष्णव का क्या फंक्शन है, किस लिए हम गुरुचरण हमारा ग्रहण करने का क्या मतलब है, गुरुचरण ग्रहण करने का हमारा क्या मतलब है, गुरुचरण ग्रहण करने का यही मतलब है गुरु जी मेरे को जड़ विषय से छुटकारा दिलाकर हमको ले जाए अपराकृत, यही तो काम है ना, कि गुरुचरण आश्रय ले ला, हम विषय में ही रमन करते रहे। गुरुचरण पोपात बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, पोपात बोलते थे सुंदर एक उदाहरण, एक लड़का का बड़ा भारी बीमारी हुआ, टीबी बीमारी, और वो लड़का जो है वो बड़ा जमींदार का लड़का, ये खबर अगर फैल जाए कि जमींदार का लड़का का टीवी हुआ, तो लोग तो हाय हाय करेगा, जमींदार का लड़का इतना दूध पीता है, इतना खीर पीता, बहुत कुछ, इसका कैसे बीमारी हुआ, सब हंसी उड़ाएगा। तो जमींदार ने बड़ा चिंतित हो गया और चुपके से एक बड़ा भारी वैद्य को बुलाया, बड़ा भारी वैद्य को बुलाया, वैद्य को बुलाकर उसको विनती किए, तो आप चुपके से हमारा ये लड़का का जो बीमारी है, बीमारी को किसी भी हालत से हटा दो, कितना भी पैसा लगाम दे देंगे। बोले कोई चिंता का कारण नहीं है, हम कोशिश करेंगे पूरी तरफ अपना तरफ से, लेकिन परहेज करना चाहिए, हम जो दावा दे उसका बाद नियम मानना चाहिए, वो अगर परहेज नहीं करे तो कोई काम नहीं बनेगा। ठीक है, लड़का को बुलाया, जमींदार जी को बोला आप थोड़ा दफा हो जाओ, और लड़का का सब एकांत में हम बात करें, एकांत में बात किया, बोले बेटा आप क्या नशा करते हो, सही ढंग से बताओ, कोई नशा वैसा करते हो, बोले महाराज चिलम पिलम थोड़ा पायल पी लेते, चिलम पीते हो उसीलिए तो, चिलम पीते हैं बहुत, तम्बाकू बहुत पीते हैं वो, जो चखा रोग हो गया, लेकिन हम आपका वो जो खून निकल रहा है मुख से हम बंद कर देंगे, सब सही हो जाओगे, नहीं तो आप मरोगे, ऐसा अगर चलते रहे तो आप मरोगे, हम आपका इलाज करेंगे, लेकिन आपका तरफ से कुछ नियम है ये पालन करना पड़ेगा, नहीं तो दवा काम नहीं करे। तो बोले आपको ये हम दवा दे दिया, ये इसका बाद इतना दूध पीना सुबह शाम, और ये सब दवा हम दे दिया, लेकिन ये सब चीज नहीं खाना, और उसमें सख्त माना है, बिल्कुल नाशा नहीं करना, धूम्रपान करोगे तो ये बीमार हटने वाला नहीं। तो दवा देके गया, थोड़ा दिन दवा किया, फिर वैद्य जी आया, अब वैद्य जी के एकांत में बुलाकर लड़का बोलकर, वैद्य जी ऐसा करो ना,
थोड़ा हम दूध भी पियेंगे, आपका दवा भी लेंगे और फिर हम नशा भी करेंगे, वो तब चिलम भी पियेंगे, ऐसा व्यवस्था कर दो। बद्धि जी बोले होगा नहीं, तब तो हमारा हिम्मत भी नहीं आपका बीमार होते, आप एक काम करो, अब कुछ होने वाला नहीं। ऐसा ही गुरु वैष्णव बोलते हैं जी, हमारा आप बदनामी करो, आप हमारा बदनामी करो तो क्या होगा उसमें, आप मैं जो बोल रहा हूं उसको पालन किया क्या जिंदगी में, पालन करके तो देखो। जो आदमी मेरे को दुश्मन समझा उसका चरण में मेरा विनती है, मैं जो बोला उसको पालन करके तो दिखाए, उसका बाद फल मिले कि नहीं मिले, तो वो तो पालन करेगा नहीं, हम क्या करें प्रवचन करके, हमारा प्रवचन का क्या वैल्यू होगा। कोई अगर ना ग्रहण करे तो कोई बात नहीं, हम भी राम नाम बोल के चले जाए। बात यह है कि श्रीमद् भागवत गीता में, गीता जी में लिखा हुआ है, रसो वर्यम रसो पाश्य परम दृष्टा निवर्तन, जब तक परम वस्तु का लोभ ना हो जाए। जैसे गुरु वैष्णव आपको लोभ दिखाता है ना, गुरु वैष्णव तो लोभ दिखाता है जब परम वस्तु अमृत मिलेगा। अगर कोई गुरु जी कोई वैष्णव आपको अमृत का संधान नहीं दे सके और आप शरणागत है, आप शरणागत तो हुआ लेकिन वो अमृत का संधान दे नहीं सके तो वो गुरु वैष्णव नहीं है, पक्का जान के रख रहा, वो तो ऐसे ही प्रवचन करने वाला, माल मारने वाला। जो वास्तव गुरु वैष्णव है, आप अगर शरणागत हो जाओ के तो आपको अमृत का संधान हर हालत में दे सके, अमृत पिला देगा आपको। इसलिए गीता में बोला हुआ है ये सुंदर उदाहरण, देखो जो रस है, जो रस में डूबे हुए है, तमाम दुनिया तो रस में डूबे हुए है, जड़ रस, वो रस कभी भी छूटने वाला नहीं। हम गाली दे कुछ भी करे हमारा क्या मतलब है, हमारा आपसे कोई दुश्मनी है क्या, कोई दुश्मनी नहीं हमारा साथ, किसी का दुश्मनी नहीं है, फिर भी वो हमारा दुश्मन हो जाता है, किस लिए, क्या कारण है, ये हमारा वाणी, जो कट्टर वाणी है, वाणी जो बोल देते हैं किसी व्यक्ति का सहन नहीं होता, क्योंकि वो मार्ग में चलने वाला नहीं तो ऑटोमेटिक हो जाता, मैं क्या करूं। गीता में ठाकुर जी बताए, जब तक ये जो जड़ जगत का रस को नहीं छोड़ोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, और जड़ जगत का जो रस है जिसमें डूबे हुए तमाम दुनिया, उसका छुटकारा नहीं मिलने वाला, और जब मिलेगा तो कैसे मिले, बोले रसो वर्जम रसो पास्यो परम दिष्ठा निवर्तन, जब परम रस का, परम रस का जब संधान मिले, असली रस का जब संधान मिले तब ये रस छोड़ दे, ऐसा ही नियम है। भले कैसे, जैसे आप जो हम उदाहरण दिया था, जब मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी मधु पान करते और जो साधारण मक्खी जो है तो टट्टी पे सब कुछ भी करते, जब परम वस्तु का संधान मिले तब उसका सब छूट जा, सब कुछ छूट जाता, कुछ नहीं रहता। भक्ति नामक जो वस्तु है इसका बारे में ही नारद भक्ति सूत्र जो है उसमें कई जगह शास्त्र में एक एक जगह पूरा बताया गया, सा अमृत स्वरूपा, भक्ति जो है भक्ति अमृत स्वरूपा, भक्ति का आस्वादन मिले तो सारे बदमाशी बंद हो जाता है, भक्ति का वास्तव आस्वादन नहीं मिलने के कारण ये सब चल रहा है, वो कोई मानने वाला, और ज्यादा बात है अपराध, अपराध करने का बात कोई भी कथा बोले, जितना भी बड़ा महापुरुष हरि कथा बोले वो कई फल नहीं होगा, किसी भी हालत से प्रभुपाद जी ने ये बार बार बताया फल नहीं होगा, क्योंकि अपराध उसका जो हृदय है उसको पाषाण बना के रख दिया, पत्थर, पत्थर भी नहीं बज्रो, विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या किया, बज्रोलेप है, किसी 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 का हृदय बज्रोलेप है, किसी का पुस्तर लेप है पाषाण जैसा, किसी का कर्दम लेप है ऐसा, किसी का धूली लेप है ऐसा लेप। इससे पोपा जी बोला जी एक एक व्यक्ति का हृदय एक एक किस्म का, और इन लोगों का हृदय को पूरा सफा करना असंभव है, क्योंकि अपराध नहीं होता तो हो जाता, विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या की, बज्रलेप
ये तो नरोत्तम ठाकुर जी ने कीर्तन में हमको शिक्षा देने के लिए सुंदर बताया। नरोत्तम ठाकुर जी कीर्तन में हमको शिक्षा देने के लिए बताया कि पशु पाखी झुरे पाषाण विद्वरे सुनी यार गुणों गाथा। ये कोई गप नहीं है, ये कोई गप नहीं है। पशु पाखी झुरे पाषाण विद्वरे सुनी यार गुणों गाथा, नरोत्तम ठाकुर ये अपना जिंदगी में दिखा दिया। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो गौरांग गुणेर निधि कथा के लिए पाबो, ये प्रैक्टिकली नरोत्तम ठाकुर ने अपना जिंदगी में दिखा दिया। वैष्णव का साथ वैष्णव का कितना प्रीति होना चाहिए, कैसे दुश्मन बन गए, हमको तो हैरान होता कैसे हुआ। पूरा पोपात का जो खानदान है उसमें किसी भी हालत से भक्ति के बिना कुछ नहीं मिलने वाला, भक्ति मिलेगा लेकिन ऐसा उत्पाटन हो रहा है, क्या कारण है। वो जो आपका नरोत्तम ठाकुर जी का एकदम अपना दोस्त जैसा कौन था, रामचंद्र कविराज। रामचंद्र कविराज जब नित्य जगत में चले गए तो नरोत्तम ठाकुर का हालत देखने से आप पागल हो जाओगे। जब रामचंद्र कविराज नित्य जगत में चला गया, नरोत्तम ठाकुर पाषाण में पाथर में फेंकना शुरू कर दिया, माता खून निकल गया। पाषाण कुटीबो माथा अनले पशिबो, ये कोई गप नहीं, हम गा दिया हो गया, बचाया गा दिया, कोई कोई है गा के बजा के चला गया बस। महाराज जी का कीर्तन में भी शिला भक्ति वाल होते थे, जब भी कीर्तन कीर्तन का बस चला गया। गुरु जी पागल है बोलते रहे, किसी का कोई अक्केल नहीं, अक्केल नहीं बिल्कुल। तो ये जो नरोत्तम ठाकुर ने दिखाया वैष्णव विरोह में कितना यंत्रणा है, कितना कष्ट है, अपना ठोक ठोक के खून निकाल दिया। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो, वास्तव दिखाया। और पशु पक्षी जुड़े पाषाण विदोरे, ये नरोत्तम ठाकुर जी जब कथा बोलते कीर्तन करते थे तो पंछी जो है जो डाल में बैठा हुआ चुपचाप बैठ कर सुनते, पशु पक्षी रोना शुरू कर, बेनुगीता आएगा उधर देखोगे विचार करके, बड़ा आश्चर्य की बात है। कथा कीर्तन के लिए जितना शुद्धि अंतकरण का शुद्धि चाहिए, उसको किसी भी आलस से कंटामिनेशन होने नहीं देंगे, चाहे हम मर जाए होने नहीं देंगे। किसी को खुशी करने के लिए मेरा जिंदगी नहीं है, किसी को खुशी करे। इसलिए देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चैतन्य में देखो सर्वचित्त नहीं आराधिते, लिखा हुआ ना सर्वचित्त चैतन्य चैतन्य में तो लिखा, बोले सब कोई का दिल को हम आराधना करें हो नहीं सकता। सर्वचित्त नारी आराधिते, सवार चित्त को सब कोई को हम खुशी मनाए, जोगी को भी खुशी मनाए, ज्ञानी को भी खुशी मनाए और सबको खुशी मनाए, तो कर्मयोगी को उन्हें खुशी मनाए, ये संभव नहीं, ये तो मिलावट है, ये मिलावटी भक्ति है। जब तक शुद्ध भक्ति नहीं समझोगी, जब तक शुद्ध भक्ति नहीं समझोगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। पोपाद जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया, सुंदर पोपाद बोले एक व्यक्ति परमाणु रसोई किया, बहुत सुंदर परमाणु, और परमाणु रसोई करने का बाद परमाणु को भोग लगाया ठाकुर जी का, इतना सुंदर काजू फाजू सब देगा एकदम, इतना सुंदर परमाणु रसोई हुआ, ठाकुर जी को भोग लगा। लेकिन प्रसाद पाने बैठे जब भोजन का टाइम में जब परमाणु मुख में दिया, दिन के थूक थूक करके फेंकना शुरू कर दिया। क्यों? पोपाद बोले जो रसोई का जो आदमी है वो देखा ही नहीं, वो चाल में कंकर था, कंकर सादा कंकर मिला हुआ था पूरा भर्ती, वो चाल का साथ में ऐसा मिला था वो पता नहीं चला, धोखे लगा दिया और मुख में दिया तो उसको थू थू करके फेंकना पड़ा, लेकिन इतना टेस्टी भी हुआ। ऐसा पोपा दुदान दे, जिसका भक्ति में कामना वासना है उसका भक्ति ऐसा है। ठाकुर जी को तो देते हो लेकिन ठाकुर जी ले नहीं पाते, ठाकुर जी लेना चाहता है हमको दे, लेकिन दे तो खाए कैसे, उसका अंदर में कंकर है। तो आज का कामना वासना हमारा क्या जाता है, हमारा साथ तो आपका कोई दुश्मनी है नहीं,
तो आप घूमते रहो, ये जन्म जाए दूसरा जन्म जाए, घूमते रहो अनंत काल, घूमो, हमारा क्या आता जाता है, आपका इच्छा हुआ घूमो इस जगत में, घूमते रहो अनंत काल, घूमो इस जगत में, आओ फिर मरो फिर जन्म करो, हमारा क्या आता जाता है। इसलिए मई अनन्य न भावे न भक्तिम करवंती जय धीरम, इसमें कपिल जी महाराज शुद्ध भक्ति का बारे में बताए, मई अनन्य न भावे न मन न अन्य, मई अनन्य न मन न अन्य, अन्य कोई चिंता नहीं, अन्न पूजा अन्न जो कुछ भी है सब छाड़ी ज्ञान कर्म, एकांत हो कृष्ण ही कृष्ण शरण, यही तो है ना, ये छोड़ के बाकी जो कुछ भी करोगे वो बंधन हो जाए। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में कितना सारे सेठ लोग आता है गाड़ी करके, फल कपड़ा देते रहते हैं कंबल, हम जिंदगी में कभी उन लोगों से एक भी चीज नहीं हुई, हम बोला तुम्हारा इच्छा है तो हमसे ले जाओ, हमारे पास है कपड़ हम तो दे देते, बांटते हैं कपड़, हम कपड़ देने जो आता है हमको बहुत गुस्सा होता है, दिमाग खराब हो गया, हमारा पास कपड़ है देते देते खत्म, हमको ले जाओ तुम क्या करें, हम कपड़ देंगे, एक कपड़ में मेरा एक ओपिन है, एक छोटा सा कपड़ खाली गा है, वो कपड़ क्या करें, हम इतना कपड़ देंगे, हमारा ले लो क्या करें, कपड़ लेके हम, हमको देना है तो भक्ति दो, हिम्मत है तो भक्ति दे दो, हमको कुछ चाहिए नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, हम भक्ति है तो दो मेरे पास, नहीं तो चुपचाप रहो। तो वही अनन्य न भावे न अनन्य भाव लेकर भक्तिम कुर्वंती जे दिरम, जे जनाहा जे, जो आदमी अनन्य भाव लेके मेरा भक्ति करता है, मेरे को प्यार करता है, मेरा सेवा करता है, मत्कृतो त्यक्त कर्मण त्यक्त सज्जन बांधव, मत्कृते कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग, यही तो है ना, कृष्णार्थे, हम कोई नाटक करने के लिए बैठे नहीं, गोकिशोर दास बाबा जी महाराज का वैराग्य जो था वो परफेक्ट वैराग्य था ना, वास्तव वैराग्य, उसको नकली करने का कोशिश किया एक पाखंडी, वो मुर्दा का जो खुली है, मुर्दा का खुली है ना, तो खुली पे पानी पीता था, ऐसा करके वैराग्य दिखाए, और मुसलमान लोग जो है भैया है वो लोग गाली देते थे, बट ये बदमाश है, ये महाराज जी का जो वैराग्य है इसका सा हिंसा करके ये वैराग्य दिखा रहा है, इसका वैराग्य नकली है, पाखंडी है वो। हाँ बाबा जी महाराज किसी से कपड़ा नहीं मांगते थे, कोई मुर्दा आया मुद्रा का मुर्दा को जलाया गया, उसका कपड़ा को फेंक दिया, उसको गंगा पानी में धोकर लेके आए, किसी समय किसी ने मूंग की डाल देके गया, तो मूंग की डाल जो है मूंग की डाल किसी प्रसाद, तो बाबा जी महाराज ने मूंग की डाल का ओर देखा, प्रसाद को दंडवत किया, और मन में मन का साथ बोलना शुरू किया, क्या मूंग डाल खाए, क्या मूंग डाल खाए, मूंग की डाल खाए, खा बोल के मूंग डाल का पात्र लेकर तुलसी को मुंह में दिया, मूंग डाल को गंगा का पानी में दे दिया, देखिए गंगा का माटी खा के आ गया, गंगा का मिट्टी खा के आ गया, खा कैसा वैराग्य, सुनने के तो ये जो पाषाण है पत्थर पिघल जाए, पाषाण जो है वो पिघल जाता है, लेकिन हमारा दिल ऐसा हुआ, हमारा दिल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बोले, सुबह में उठकर अपना मुख पर अपना जूता जो है 100 घा मारो, जूता लेके अपना जूता लेके 100 घा मारो, तब भी ये मन दुष्ट मन जो है कभी भी इसका कोई शोधन नहीं हो सकता, इतना दुष्ट मन। हम तो हर भक्तों को बोलते हैं दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव डेली पाठ करना, अगर साधु बनना चाहो तो, नहीं तो तुम्हारा साथ तुम्हारा खानदान भी नष्ट हो जाएगा, तुम जिस खानदान से आए हो साधु बनने के लिए वो खानदान पूरा सत्यनाश, खानदान में कोई नहीं चाहिए, सब नष्ट हो जाएगा, उसका दान दौलत जो दान पुण्य सब खत्म हो जाए, जो साधु बनने के नाटक करने के लिए आए, ऐसे तो बहुत माल कमाए, वैसे उसका खानदान पूरा खत्म, कुछ नहीं होने वाला। और एक बात, सब साधु जहां जन्म होता है उसका साथ साथ उसका 21 पीढ़ी भाग ये आप सप्तम स्कंदो आएगा, उसमें देखोगे सप्तम स्कंदो आदि बहुत डिटेल, बहुत खुल्ला खुल्ला बहुत चर्चा करते हैं, इस दफे थोड़ा कम चर्चा करेंगे, कि तू हमारा टारगेट कुछ और है, काल भी तृतीय स्कंदों का थोड़ा हल्का चर्चा की, ज्यादा चर्चा नहीं की, जो भी है हम किसी भी हालात से सृष्टि तत्व के बारे में
थोड़ा बहुत बताएंगे जरूर, क्योंकि सांखो योग के साथ एक साथ बताएंगे, हम बोल दिया था। मोहि अनन्य न भावे न भक्ति कुरुवंते ये दिरम मत कृते त्यक्त कर्मण त्यक्त सज्जन बांधवा, मेरे लिए सारे कर्म क्रियाकर्म जो है सब छोड़ दिया और त्यक्त सज्जन बांधवा, जितना अपना आदमी है जिसका साथ रिलेशन बना के सज्जन बांधवा, हमारा सज्जन है बांधव है सबको छोड़ दिया। उसके बाद एक वाइटल लक्षण बताया, ये बड़ा जबरदस्त लक्षण है, बोले मई अन्य न भावे न भक्ति कुरवंत जे धीरम मत कृत्य त्यक्त करोण त्यक्त सज्जन बांधव, ये तो है ही है। उसके बाद बोला मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृणंती कथयंती च तपंती विविधा स्थापा नईता न मदगत चेत सहा, बोले मदाश्रय कथा मिश्रा, हमारा संबंधित हमारा जो लीलाएं हैं हमारा जो रूप है गुण है सब कुछ ये मदाश्रया कथा मेरा आश्रय में, मदाश्रय कथा मिश्रा मतलब भगवान का साथ जुड़ा हुआ जो कथा है, मदाश्रया कथा मिष्ठा श्रृणंती कथयंती जी, अजीब जो व्यक्ति ये सब कथा को बोलते रहते हैं कीर्तन करते रहते हैं सुनते रहते हैं, इन लोगों का क्या होता है, भले मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृणंती कथयंती जी, कभी सुनते हैं बोलने वाला है तो विशुद्ध साधु तो सुनते हैं, बोलने वाला नहीं तो कीर्तन करते रहते हैं, अकेला घर में क्या करते हो भूतों का माफी, इतना लेजी है आदमी क्या करे। तो ये जो है बोले श्रृणंत कथयंति, कभी सुनते हैं बोलते भी हैं कीर्तन करते रहते हैं और तपंति विविधा तपस्या, तपस्या क्या है, तपस्या क्या है, हमारा गौड़ीय विचार का तपस्या है बहुत जोर से परिक्रमा करना उपवास करना सुबह में 3 बजे उठना, ये सब तपस्या है। बाकी अलग करके हिमालय में जाके तपस्या का जो विधान वो हमारा भक्ति राज्य में नहीं अप्रूव्ड है। क्यों, अगर आप बोलोगे तपस्या करने में चले जाएंगे तो तपस्या करने के लिए कहाँ जाओगे, बोले जंगल में जाओ। अच्छा जाओ जंगल में, जब जाओगे जंगल में अपना जड़ मौन जो है आपका जड़ बुद्धि और जड़ मौन वो तो संग में जाएगा क्या, मौन के मौन को आपका जो मन है उसको क्या फेंक के जाओगे क्या, बोले नहीं हमारा जड़ मौन को लेके ही जाएगा। तो आपका जड़ मन जड़ बुद्धि ये सब लेके ही जाओगे जंगल में, तो जंगल में जब बैठोगे इधर भजन करने के लिए आंखों मूंद के तारे प्रपंच आपका सामने आ जाएगा, भजन नहीं होगा, दिखाई पड़ेगा वो ये कर रहा है वो ये कह रहा है हमारा दुकान नहीं चल रहा है पोता ये कर रहा है वो कर रहा है सारे नजर में आएगा, भजन नहीं होगा। क्योंकि जड़ मन को संशोधन किए बिना भजन शुरुआत होता ही नहीं, जड़ मन को जड़ बुद्धि को संशोधन किए बिना शोधन किए बिना भजन शुरुआत होता ही नहीं, अनर्थ अवस्था लेकर भजन शुरू हुआ जो बोलता है वो तो चीटर है, अनर्थ अवस्था में भजन होता है जो बोलता है वो चीटर है झूठा बोल रहा है उसको पनिशमेंट मिले। इस विषय में हम चर्चा करें सायंकालीन अधिवेशन में, उधर बताया कि देखो क्या बोले वो जो अनर्थ जो है इतना जबरदस्त चीज है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल, छोड़ता नहीं। और ये जो मन का विशुद्धि कैसे होए इसका बारे में हम पहले भी बताएं, जो व्यक्ति अंतर से बनावटी नहीं है शुद्ध गुरु वैष्णव का उपहार प्रीति रखता है श्रद्धा रखता है उसका जो आदेश पालन करता है स्वाभाविक उसका दिल से माया का प्रभाव हट जाता है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जंगल में जाके बोलोगे हम जंगल में जाएंगे भजन करने के लिए, जंगल में जाओ और जाके जब बैठोगे भजन के लिए तो आपका भजन नहीं होगा क्योंकि जड़ मन है मन में सारे प्रपंच का जो विषय है सब आते रहे भजन नहीं होगा फेंक देंगे। इसका विषय में पंचम स्कंद में सुंदर आएगा, ब्रह्मा जी आपका वो जो प्रिय व्रत को जो उपदेश दिया उस उपदेश में आएगा, सुंदर उपदेश उसमें आएगा विचार। तो ये जो है मन को संशोधन करने के लिए जंगल भागने का दरकार नहीं, इधर ही तपस्या करो सुबह में उठो आरती दर्शन जितना भी कष्ट हो
ऐसे तो दोपहर का सोना विश्राम बिल्कुल माना नहीं है, बिल्कुल नियम नहीं। लेकिन हमारा अभी ऐसा हालत शरीर का और भोजन पानी भी ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत हरि कथा के लिए आधा घंटा लेना पड़ता है, उपाय नहीं कथा के लिए, नहीं तो हमारा जिंदगी में हिसाब नहीं है, कभी कोई देखा नहीं, समय नहीं है। अब भोजन का भी ऐसा टाइम है, वो भोजन करके तुरंत बैठो, हरि कथा भी 5 बजे शुरू है, 8 बजे तक चले तो अच्छा है थोड़ा बहुत, नहीं तो मुश्किल हो जाता, ऐसा है। तो ये जो है विचार, जंगल में जाओ तो अपना मन भी साथी जाए, जड़ मन जड़ बुद्धि, वो उधर जंगल में जाके आपको कष्ट देगा, सताएगा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बार बार बताएं, जो लोग त्यागी बनना चाहो तो पहले विचार करके देखो त्यागी बनने का हालत आपका जिंदगी में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो घर चले जाओ, ऐसा मुश्किल मत करो, समाज में उटपटांग फैलेगा चारों ओर, तुम्हारा अगर हिम्मत नहीं घर चले, घर जाके भजन करो, इनकम करो, शादी करो, कुछ करो, लेकिन त्यागी बन के आओगे इधर आके सब उटपटांग करो, ये चलेगा नहीं, पूरा खानदान हमारा नष्ट हो रहा है, हमारा पूरा गौड़ीय खानदान का अभी जो हालत है बहुत मुश्किल, बहुत दुख की बात है, किसी का ध्यान नहीं है इस बात पर, मठ बना के क्या करे, मठ में अगर साधु नहीं रहे तो मठ में कीर्तन रहे हर वक्त 24 घंटा कीर्तन हरि कथा साधु संग, तब ये मठ इसलिए बनाया गया, इसलिए बनाया गया। जो भी है सब प्रभुपाद का विचार धीरे धीरे हम बताएंगे, चाहे आपका अच्छा लगे न लगे, हमारा कुछ आता जाता नहीं। तो इसमें जो है तपंत विविधा स्थापा, ये अलग अलग किस्म का जो तपस्या है, विधान है मार्केट का बाजार का, वो सब तपस्या हमारा नहीं है। सुबह में उठो, भगवान का चिंतन करो और कीर्तन करो, परिक्रमा करो, और एकादशी आदि जो व्रत उपवास है वो सब करो, ये सब नियम है। मत कृते तक मजबे इधर तपंथी विविधा स्थापा नैतान मदगत चेत सह, हमारा चिंतन लेके हर वक्त हृदय में व्यस्त रहते, हर वक्त हमारा ही चिंतन और कोई दूसरा कोई चिंतन नहीं है। इसका बारे में कोपिल जी महाराज देवावती देवी को बताए, ये जो लक्षण हम बताया आपको, ये लक्षण युक्त जो आदमी है यही साधु है। तो एते साधव स्वाधी सर्वसंग विवर्जिता संगोस्तेषु अथ ते पार्था संग दोष हराहिते, क्या माने हुआ? तो एते साधव साधी सर्वसंग विवर्जिता, ये जो लक्षण हमने बताए हैं यही है साधु। कपिल जी महाराज क्या बताए, ये जो लक्षण हम अभी बताए, ये लक्षण जिसका अंदर में देखोगे, ये जरूर समझ के रखना, ये साधु है। तो ये थे साधव साधी सर्वसंगो विवर्जिता, क्योंकि ये जो संत महात्मा है ये सर्वसंग विवर्जिता, सर्वसंग विवर्जिता माने, सर्वसंग विवर्जिता माने क्या हुआ, माने जड़ जगत का जितना भी प्रसंग है वो संगो काट के फेंक दे, लेकिन अप्राकृत संग माना नहीं, अप्राकृत संग होते रहता है, अप्राकृत संगो तो अंदर में हर वक्त होते रहता है, हर वक्त अप्राकृत संगो साधु संग हर वक्त ना होए तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। कहतों का वाणी, संतों का विचार, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, सिद्धांतों, हर वक्त ऋषि करो, कुछ भी करो, अंदर में चिंतन करते रहो, बंद कर दोगी तो मुश्किल हो जाएगा हर वक्त। कोई अगर पूछे हमारा साधु संग नहीं होता, साधु कहाँ मिले, ऐसा तो क्वेश्चन आता है ना, बहुत आदमी ऐसा क्वेश्चन कर, साधु कहाँ मिले, उसमें गुरुजी उत्तर दिया करते थे, उत्तर दिए थे ये देखो, तुमको साधु संग के लिए बोला, साधु संग का मतलब आप क्या समझते हो, साधु संग तो वही है जो संग करने से हमारा ठाकुर जी के मन लगे, यही तो साधु संग, साधु संग का मतलब क्या है, इतना डार्टी मीनिंग आता है साधु, साधु संग ये जो शब्द है इसका इतना कुत्सित कदाकार मीनिंग चल रहा है मार्केट में, आपको हम ला के लेके दिखाए तो आप रो पड़ोगे गांव गांव में, हम ये सब हरि कथा में हम नहीं बताएंगे, सब इतना कुत्सित कदाकार साधु संग का मान गांव गांव में चल रहा है, जहां प्रचार में जाता है आदमी वहां
साधु संघ का मतलब ये नहीं, शरीर का संग नहीं है। संघ मतलब संघ का व्याख्या किया, संघ किसको बोलता है, भक्तिविनोद ठाकुर ने व्याख्या किया जो संघ का मतलब प्रीति विनिमय। संघ का मतलब तुम्हारा किसी से संग हो गया, मतलब प्रीति विनिमय हो गया। तुम्हारा अगर प्रीति हमसे हो गया तो तुम निश्चित होकर रहो, तुम तर जाओ, अगर हम सही है तो। प्रीति का विनिमय इसका नाम ही संग, समझा मेरा बात, प्रीति विनिमय संग। एक साथ रहने से संग, आप बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, बाहर का आदमी खाने आया है, प्रसाद पाने आया है, तो हमको देना पड़ेगा। आप संघ का माने तो गोस्वामी जी ने बताया, ददाति प्रतिगिन्नाति पृच्छते गुज्जमाचाति भुंगते भजयते सर्वविदपित लक्ष। आप बोलोगे महाराज तार तो भंडारा भंडारा सब बंद करना पड़ेगा, हम बोलो तुम पागल हो, तुम समझे नहीं बात को, तुम भक्तिविनोद ठाकुर का बात जो है समझा ही नहीं, समझा मेरा बात। प्रीति लक्षण, जिसका साथ प्रीति विनिमय करोगे तुम्हारा वही बन वही होगा। इसी का ही तो बताया था ना, पहले जो बताया था स्वयं साधु सुकृत मोक्षोदारम अभावित, जो संग आप जगत का आदमी का साथ कर रहे हो संसार समाज में, वो संग अगर किसी वास्तव साधु का साथ हो जाए तो मुक्ति का कारण बन, यही तो बताया था ना काल, काल यही तो बताया था स्वयं साधु सुकृत मोक्षोदारम अभावित। तो जो ददाति प्रतिगिन्नाति पृच्छति गुज्जमाचारी जो है भुंगते भयते जो है, ये प्रति लक्षण अगर संत महात्मा का साथ हो जाए वास्तव साधु का साथ, साधु गुरु वैष्णव का साथ, तो हमारा बंधन टूट जाए। और ये प्रति का लक्षण अगर समाज का आदमी संसार में तुम जिसका साथ रहते सब हो जाए तो ये तुम्हारा बंधन लॉक और मिटेगा नहीं, हम क्या करें। तो ये जो है इधर बताया गया, ये प्रीति विनिमय। हमारा गुरुजी आज समझो कि इतना साल हो गया गुरुजी चला गया, तो गुरुजी का साथ हमारा संग नहीं हो रहा है क्या? हमारा गुरुजी चला गया, गुरुजी का साथ संग नहीं, गुरुजी का कितना साल हो गया चला गया, तो आप सोचो कि हम गुरुजी का अनुगत में नहीं है। देखो हमारा साथ रहो, हमारे साथ रह के देखो क्या खाता है क्या क्या करता है, हमारा घर में जाओ बैठो हमारे साथ तो पता चलेगा। तो यही बात है, समझ के रहना कि साधु संघ का मतलब क्या है, प्रीति विनिमय कर। प्रीति विनिमय साधु का साथ हो जाए, उसका कथा को हम गौण किया, अपना जिंदगी में आचरण किया, ऐसा करते रहो तो आपका पूरा मुक्ति हो जाए, और नहीं तो मुश्किल है। तो ये जो सर्वविदा प्रीति लक्षण, ये सर्वविदा प्रीति लक्षण अगर साधु संघ के साथ हो जाए, और भंडारा बड़ा हो रहा है उसे बाहर का आदमी तो खाने आएगा, उसमें तो हम तो ब्रह्मचारी, हमको परिवेशन करना पड़ेगा, हम कहाँ जाए, हमारा संग हो जाएगा, बोलोगे ना, क्योंकि गोसाई जी बोला दोदाती प्रतिगिन्नाती। तो ये ऐसा नहीं व्याख्या, ये तो बद्ध जीवों को प्रसाद देना पड़ेगा, हमको आदेश हुआ हम प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन जिसको प्रसाद दे रहा है उसका साथ तो हमारा प्रीति विनिमय नहीं हो रहा। प्रीति विनिमय गुरु जी अगर करे किसी का साथ प्रीति विनिमय करके उसको उठा के लाए, मेरा बात समझा नहीं किसी ने। साधु कोई महात्मा अगर कोई गिरा हुआ आदमी का साथ बात कर रहे हैं, आप बोलोगे महाराज देखो महाराज खुद प्रवचन करता है उसका साथ बात करता है, तो गिरा हुआ चरित्र खराब है, तो आपको समझ में नहीं आया। महाराज जी उसका संग नहीं कर रहा है, उसको उठाने के लिए उसको अपना जो पवित्र संग दे के उसको उठाने के लिए चेष्टा कर, समझा मेरा बात। जैसे पतिता जो वेश्या हरिदास ठाकुर के पास गई, लक्ष्य हीरा जाने का साथ साथ क्या हमारा कोई ब्रह्मचारी सन्यासी है वास्तव, वो क्या करे, जब भी कोई रमणी ऐसा आ जाए तो वो क्या करे, चिल्लाएगा ना। हमारा भी ऐसा नियम था, जलंधर में नियम है माताजी लोग बस सदा सीधा, हम भजन करते हैं और कभी भी वो लोग अंदर में घुस जाए बात करने महाराज करके आ जाए, हम ब्रह्मचारी को बोल के रखे बगल वाला घर में, हम भी जय गौर जय श्री राधे ऐसा बोल के चिल्ला है तो तू समझ जाना कोई माताजी घर में आ गए, तू जो चल दिया जाना, वो लोगों का कोई दोष नहीं, सरल है ऐसे, वो लोग जानते नहीं कि सन्यासी के घर में ऐसा आना उचित नहीं।
तो अगर उसका साथ हम बात करें, इसका मतलब तो ये नहीं हम उसका संग किया। हम तो गौड़ीय दर्शन विचार करने बैठे, इसमें ये तक हम बताया तुम्हारा प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक तुम मध्यम अधिकार में नहीं उठा रहा। जब तक मध्यम अधिकार तक अब नहीं गया तब तक प्रचार में मत जाओ। बद्धो जीव को प्रचार में लेके जाए वो अच्छा चीज देखेगा, चारों ओर रहेगा कामिनी कंचन, वो गिरेगा। इसलिए मध्यम, कम से कम मध्यम अधिकार रहे तो कम से कम बच के रहेगा, क्योंकि दुनिया का चीज तो रहेगा ही, दुनिया का जो चीज है तो रहेगा। और संन्यास का अर्थ हम व्याख्या किया था, ज्ञेयो ही स नित्य संन्यास हो जो न दृष्टि न कंखति इत्यादि व्याख्या किया। तो लख हीरा जब गया तो कोई अगर साधु है क्या करेगा, भागे ना, चिल्लाएगा ना, ए देखो क्या कर? लेकिन हरिदास ठाकुर कुछ चिल्लाया नहीं। क्यों? हरिदास ठाकुर उसका मंगल करना चाहता, हरिदास ठाकुर मंगल करना चाहना। हरिदास ठाकुर चुपचाप करके हरिनाम करते रहे चुपचाप, और कहते कहते 3 दिन बहुत बदमाशी किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। 3रा दिन रोके हरिदास ठाकुर के चरण में पड़ा, हमको क्षमा कर दो, हम आपका सत्यानाश करने के लिए हम आए थे। हरिदास ठाकुर, हमको पहले ही पता था हम तुमको रक्षा करने के लिए हम इधर रुका, नहीं तुम चले जाते। तो आप अगर बोले ऐसा अनुचित विचार करे कि हरिदास ठाकुर लखो हीरा को सामने बैठा कर लखीरा बदमाशी कर रहा है, सामने बैठा हुआ है, बहुत बदमाशी कर रहा है, जो किसी भी हालत से किसी को देखना मुश्किल है, लेकिन हरिदास को राम से हरिनाम कर रहे 3 रात जोर जोर से हरे कृष्ण करके। ये जो अप्राकृत शब्द ब्रह्मो सुनते ये लक्ष्य हीरा चरित्रहीन वेश्वा, इसका दिल हृदय जो है परिवर्तन हो गया। देखो कितना करुणामय है, इसके द्वारा क्या माने होता है? क्या हरिदास ठाकुर लक्ष्य हीरा का संग क्या कि हरिदास ठाकुर अपना ऊंचा संग, हरिदास ठाकुर अपना जो ऊंचा संग है और लक्ष्य हीरा को देकर उसको उठाया। तो ऐसे ही कभी कभी हमको किसी माताजी से बात करना पड़ता ब्रह्मचर्य सब सामने, क्यों? हम जानते हैं ऐसा है, बात करके उसको उठाओ। ये नहीं कि किसी को उठाना गया हम खुद ही गिर गया तो क्या पतित पावन, इसको पतित पावन वैष्णव कैसे बोला जाए? हम तो किसी को छोने नहीं देते, अब तो बहुत देखा पैर को आगे कर देता मैं यहां से छोके, छोना ही नहीं हमें, हमने गुरु जी को देखा ही नहीं कभी जिंदगी में। किसी को बामन गोस्वामी महाराज के भी हम देखा, कापड़ ढाक के रखता था, लिखा हुआ है केव चरणे हाथ दिवेन ना, लिखा हुआ है बामन गोस्वामी महाराज का, हम भी किसी को हाथ नहीं देते। तो क्या आजकल का जमाने का जो नियम है उसी को हम भजन बोलेंगे कि गुरुवर को जो बोला है किसको हम भजन समझे? तो जो ये जो है विचार हमने बताया कि ये जो सर्वविद संघ जो है हम प्रसाद तो बांट रहे परम माधव गोस्वामी महाराज, इतना परिक्रमा में लोग है हजारों, कई हजार, 2-3 हजार सौ आदमी परिक्रमा, भजमंडल परिक्रमा, गौरमंडल परिक्रमा, गौरमंडल मतलब नवद्वीप परिक्रमा आदि। उसके बाद जब भक्त लोग प्रसाद पाते हैं तो भक्त माधव गोस्वामी महाराज माला लेके धीरे धीरे सब देखते रहते मतलब दर्शन देते रहते, और प्रसाद पाते हैं और महाराज इधर दो इसको, ये लगे महाराज जी का क्या काम है, इतना बड़ा आचार्य जो है। और ये जो महाराज जी है वो संग देने के लिए आया बाहर, धोते थे और रो रो के बोलते थे आप लोग हमको क्षमा करना, आपको प्रसाद देना चाहिए था बहुत जल्दी, लेकिन दोष हो गया, देर हो गया, वो इसके लिए मैं क्षमा मांगता। माधव गोस्वामी में बोलते आपका इतना देर हो गया, बहुत भूख लगा होगा, बहुत देर हो गया प्रसाद देने में, क्षमा कर देना। ऐसा करते करते इतना हजार आदमियों में ऐसे डोलते लाइन है ना प्रसाद का, यहां से गया उधर, उधर से गया उधर, इसको ये दो ऐसा। अब तो ये सब नियम सब गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं है, सब गया, कौन किसको रखा करे ऐसा हाल। तो ये थी साधव स्वाधि सर्वसंग विवर्जिता संगस्तेषु अथोते पार्थ। इसी में आप एक जो साधु है संत है
इसी का ही संघ का बारे में माताजी आपको बताए। हम कोई बाजार का साधारण साधु का संग करने के लिए बता नहीं, जो संत महात्मा का लक्षण हमने बताया इसी माफिक जो साधु संत है इसी का ही संग आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो संग है यही आपको जड़ जगत का जो प्राकृतिक संग है, तीन गुणों का जो संग है, इसे आपको छुट्टी दिलाने वाला, आपको छुट्टी दिलाने वाला जो संग है यही साधु का संग, बाकी नहीं। इसलिए इधर बताए तो ऐसे, क्योंकि वो लोग स्वयं जो है वो लोग जो स्वयं जो है प्रकृति का तीन गुण का बाहर है। प्रकृति का जो तीन गुण है इसका संग ये लोग नहीं करते। और ये लोग जब आपको प्रीति करे, आप लोग का आपका साथ जब उसका प्रीति हो जाए तो आपको उठा के बाहर ले जाए। तीन गुणों का अंदर ये जो प्राकृतिक जो गुणावली है उसका अंदर हो, जड़ जगत का रसों का अंदर हो, उससे आपको उठा के बाहर कर दे, ऐसा नियम है। उसके बाद धीरे धीरे देवाहुति जी ने बताया कि देखो ऐसा सहज करके बताओ, क्योंकि हम तो ऐसे ही माता, हम तो स्त्री जाति है, बुद्धि कम वाले, और ऐसा करके आप बताओ जैसे हमारा पूरा अंतर में बोध हो जाए, हम अनुभव में आए, क्योंकि ऐसा नियम है। ठाकुर जी का ऐसा निर्माण है जिसमें उपाय नहीं है, ये लोग का बंधन जो है ऐसा रहता है, इसमें कोई उपाय नहीं। इससे छुटकारा मिलने के लिए विशेष करके हर वक्त, हम तो कई मंदिर में ऐसा नियम देखा, हमने बोला भी है, जो रोसी करे, जो अमानिया करे, जो कुछ भी करे, बर्तन घुसे, हर जगह एक्स्ट्रा करके बॉक्स, क्योंकि आजकल ठाकुर जी का कृपा से व्यवस्था हो गया, सब जगह एक छोटा सा बॉक्स रहे, वो बॉक्स में हरिकथा चलते रहे, हर वक्त हरिकथा बंद ना हो। और उसमें क्या होगा, जो गप है, जो फालतू बातें जो है, फालतू बातें है, फालतू चर्चा है ना, वो चर्चा बंद हो जाए। कई मंदिर में हर जगह कथा चलता है, ये भी किया, इसको उधर जाओ, हर वक्त कथा चलता है मार्केट में, उसका ये वहां पहले हुआ था, तो कथा कर जाते प्रज्वल पर बंद हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, हम नहीं तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन तुम खोद हो, तुम्हारा प्रज्वल पर अब बैठ के ये फलाना हुआ बातें करते रहो, और तुम्हारा ही हो सत्यनाश, तुम्हारा गला तुम खोद घोट रहे हो, पता नहीं, प्रज्वल पर बंद करो, चाहे रसोई करो, चाहे ये करो, कथा सुनते रहो, बाजार का कथा नहीं, बाजार तो हारमोनियम बाजा का ऑर्केस्ट्रा बाजा बहुत सुंदर कथा, लेकिन सिद्धांत तो नहीं है, वो कथा को मेरा सामने चलाओ, हम प्रमाण कर देंगे, देखो इतना बड़ा बड़ा कथाकार है, क्या कथा बोल रहा है तुमको पता नहीं चलेगा, क्या उल्टा पलटा बोल रहा है, पागल का माँ, लेकिन उसी का कथा सुनेगा, क्योंकि म्यूजिक चल रहा है, इतना बड़ा 2 लाख रुपया 3 लाख रुपये देखिए, हाँ हम तो बिना पैसा आए, ऐसा ही है। केशव कुशी महाराज कथा बोल रहे हैं, सामने थोड़ा बहुत आदमी बैठा हो, केशव कुशी महाराज कथा बोल रहे, चिल्ला प्रभुपाद कथा बोल रहे, बड़े बड़े जो दुकान है जहां बड़ा कीमती ज्वेलरी है ना, वो बड़ा बड़ा कीमती ज्वेलरी का दुकान जो है उसमें सारा दिन में 2-1 कस्टमर आता कि नहीं आता, भीड़ ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वहां कीमती चीज मिलता है ना, कीमती चीज खरीदने वाला कौन है, एक डायमंड का दाम है घर समझो कि 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया, उसको लेने के लिए कौन आएगा, सारा दिन में एक अगर आए तो एक में ही हो गया उसका पूरा दुकान का खर्चा सब आ गया, ऐसा है। कीमती जो ज्वेलरी दुकान है, कीमती जहां बहुत कीमती चीज मिलता है, वह स्वाभाविक रूप में लोग कम है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट परसिस्ट टूगेदर, क्वालिटी मिले तो क्वांटिटी नहीं मिलेगा, क्वांटिटी मिले तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्या करें। हम जो गौड़ीय सिद्धांत बता रहे, थोड़ी ही आदमी का दिमाग में घुसेगा, हृदय में, जिसका ऊपर बड़ा भारी कीपा है, गुरु वैष्णव का बड़ा भारी कीपा है, उसी का दिल में घुसेगा, बाकी किसी का दिल में घुसेगा नहीं। तो हम ये आशा नहीं करते कि लाखों आदमी भक्ति करना शुरू कर दे, भक्ति करेगा ही नहीं। तो ये जो देवी देवाहुति माँ बड़ा प्रार्थना कर रहे कि देखो
सुखम बुधायो दुर्बोधम जोसा भवत अनुग्रहात। बच्चे एतत में ये जो तत्व जिज्ञासा आपका सामने हमने रख दिया, जो तत्व जिज्ञासा प्राप्ति करने के लिए आप आपका चरण में मैं शरण लिया। आप लड़का नहीं बोल रहा है, मेरा बेटा है नहीं बोल रहा है, भूमा पुरुष बोले, आप भूमा पुरुष हो साक्षात भगवान, आपका चरण में मैं जो शरण लिया इसलिए कि तत्व ज्ञान का पूरा बोध हो जाए। अब ऐसा करके आप बताओ, ऐसा आप बड़ा बड़ा वेदांतों का बात बोलो भी ये वो हमारा समझ में नहीं आया, ऐसा सीधा रास्ता में बताओ कि हमारा समझ में आए। ये है पहले स्वयं का बात बताया, छोड़ो विदा संघ कैसे होता है। तो ये जो है पृथ्वी विनिमय, अभी लड़का का साथ तो पृथ्वी विनिमय हो रहा है लेकिन ये लड़का बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी स्वयं एतत में वचन वचन तदेत तदेत में बीजानी ही यथा हम मंदधीर हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधम जोसा मदनो गुहात। वचन तदे तत्व में ये सब चीज जो है तत्व विज्ञान हमको ऐसे समझाओ, आप बताओ जैसे हमारा बुद्धि बहुत कम बुद्धि है और बहुत आनंद हमको मिले, बहुत आराम अनायास सुखम बुद्धेय बहुत अनायास समझ समझा जाए ऐसा करके। दुर्बोध में ऐसा तो चीज तो दुर्बोध है ही है, दुर्बोध है, दुर्बोध है, तो इसका बारे में षष्ठ कंध में आएगा देखो, गुज्जम विशुद्धम दुर्बोधम यद कहत्या अमृतम अश्नुते, गुज्जम दुर्बोध्यम गुज्जम विशुद्धम दुर्बोध्यम यद कहत्या अमृतम अश्नुते। तीनों लक्षण बताए, एक तो है गुज्जो गुज्जाते गुज्जो गुप्त चीज, विशुद्धम इतना विशुद्ध है हमारा ये डर्टी हृदय में घुसेगा नहीं, गुज्जम विशुद्धम और दुर्बोध्यम वो समझना संभव नहीं, बिल्कुल समझने का बाहर। और ये सब ये चीज जब अगर मिले गुज्जम विशुद्धम दुर्बोध्यम ये जद ज्ञात्या जो जानने का बाद अमृतम अश्नुते, उसके बाद अमृतो मिलेगा नहीं तो नहीं मिले। अमृतम अश्नुते मश्नुते मतलब अमृत पान करोगे, मश्नुते अमृत मश्नुते। इसके बाद इधर धीरे धीरे बताना शुरू कर, ठीक है अभी कपिल जी महाराज देवाहुति देवी को बहुत सही ढंग से धीरे धीरे उदाहरण देके समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसका बाद हमारा आएगा आपका संख विज्ञान, और इसका साथ ही हम सृष्टि का जो काल बताया नहीं संक्षेप करके छोड़ दिया, इसका बारे में आज बताएंगे सायंकाल अधिवेशन में। भगवान वाचो, अभी भगवान कह रहे हैं कि देखो कपिल जी भगवान देवावती देवी को कह रहे हैं कि देवानाम गुण लिंग्यानम अनुश्राविक कर्मनाम सत्यम एवैक मनसो वृत्ति साभाविकी तूजा अनिमित्वा भगवती भक्तिर सिद्धेर गरियसी। बच्चे देवानाम गुण लिंग्यानाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्यो एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुजा। बोले इधर बताया कि देखो जिन लोगों का जात जिन लोगों के द्वारा पिछले ज्ञान जन्मे इसी प्रकाशशील जो इंद्रियो गणों का अधिष्ठाति देवता वेद विहित तो देवता जो है वो जो देवता लोग जो है ये लोग कर्म का अनुजाई काम करते हैं। देवता मतलब माने ये है इस स्वर्ग का देवता लोग आपका किए हुए कर्म का अनुसार आप अगर उसको भजन करोगे उसका मुताबिक फल दे देंगे, नहीं करोगे तो नहीं फल देंगे। ऐसा ऐसा करके क्योंकि जितना सारे देवता लोग हैं वो लोग भी गुणों का अंदर है, जितना सारे देवता लोग भी है वो भी गुणों का बाहर नहीं है, देवता लोग जितना सारे हैं वो भी गुणों का अंदर है। इसलिए बताया गया अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन
ब्रह्मा से लेकर चेटी तक किसी को शांति नहीं है। वो आवर्तन रोटेटिंग फैक्टर, मरते और जीते रहो, पुनरपि मननम पुनरपि जननम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ऐसा आब्रह्म भुवनालोक है। पूरा भुवन में ब्रह्मा से लेकर चेटी तक घूमते रहे। अगर ब्रह्मा जी सही भजन हुआ तो ब्रह्मा सूर्य छोड़कर उस सिद्धि प्राप्त हो वैकुंठ, नहीं तो वो भी आएगा, उल्टा हो गया तो आप ब्रह्म भगवान लोग। तो ये जो देवता लोग है, ये देवता लोग भी सतगुण प्रधान, मेरा बात समझा नहीं, स्वर्गों का जो देवता लोग है वो लोग का सतगुण प्रधान। हाँ ठीक है, सतगुण प्रधान तो क्या हुआ, इसका नाम है मिश्र सतगुण। क्या माने हुआ इसका, माने हुआ मिश्र सतगुण। सतगुण तो है लेकिन सतगुण का साथ थोड़ा बहुत रजगुण भी है, तमगुण भी है, सब मिलावट। सतगुण प्रधान वो लोग का जो जिंदगी है उसमें सतगुण प्रधान है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ सतगुण है, सतगुण का साथ रजगुण तमगुण भी मिलावट है, इसलिए वो लोगों में आपस में लड़ाई हो जाए, बहुत कुछ होता है। रजगुण तमगुण कम है, असुरों का जिंदगी में क्या है, रजगुण और तमगुण ज्यादा, तमगुण ज्यादा है राक्षसों का, असुरों का रजगुण ज्यादा है। असुर जो लोग, असुर लोग जो है वो लोग का रजगुण ज्यादा है, और राक्षस पिशाच जो है वो लोग का तमगुण ज्यादा है। वैसे सतगुण कम है, सतगुण नहीं है बोलने से भी चले, तो गुण मिश्र सतगुण, जब तक आपका जिंदगी में मिश्र सतगुण रहे तब तक आपका जिंदगी में कोई फायदा नहीं मिले। आप अगर बोलोगे तो मेरा जिंदगी में सतगुण है महाराज, हाँ सतगुण तो है लेकिन मिश्र सतगुण है, विशुद्ध सतगुण अभी नहीं हुआ। विशुद्ध सतगुण का मतलब है जो रजो तमो कोई गुण, यहां तक कि ये जगत का, यहां तक कि ये जगत का जो गुण है, यहां तक कि ये जगत का जो गुण है, ये जगत का जो सतगुण है, ये जगत का सतगुण नहीं है, ये जगत का सतगुण है ना, ये जगत का सतगुण को भी भजन में अनुकूल नहीं माना गया, समझा मेरा बात। जगत का सतगुण होने से क्या है, जगत का सतगुण को भी छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। जगत का सतगुण रहे तो आपको क्या होगा, कोई फायदा है, ये भी बंधन का है। जगत का जो सतगुण है ये भी आपको बांध के रखेगा, छोड़ेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, भले सतो रजो तमो जितना सारे गुण है, गुणावली है, भजन करते करते सारे तमाम गुणों को छोड़कर अप्राकृत सतगुण में अधिष्ठित हो जाए, शुद्ध सतो, जिसका नाम है शुद्ध सतो। क्या नाम है, शुद्ध सतो। जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध सतो में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक उसका कोई शांति नहीं है, भजन नहीं होने वाला। कृष्ण भक्ति सुधा पाना देहो दैहिक स्थिति तेसाम पांच भौतिक देहो पी सच्चिदानंद रूप, ये सब श्लोक का हम व्याख्या सायंकालीन अधिवेशन अधिवेशन में हम करेंगे, बहुत लोग सुने। जो कृष्ण भक्ति सुधा पाना देहो दैहिक स्थिति क्या है, बोले सतगुण कैसे आएगा, विशुद्ध सतगुण पर जरूर आएगा, संकीर्तन करते रहो, विशुद्ध संकीर्तन, चुपचाप बैठे नहीं रहना, हर वक्त रसोई करो, कुछ करो। हम तो ऐसा व्यवस्था किया, हमारा हर जगह लगा हुआ है, हर कथा चलते रहे, और इतना गंभीर कथा चल रहे हैं और हम पशु का माफिक बात करते रहे तो होगा, होगा नहीं, अपराध हो जाएगा, इसलिए कथा चला दो हर जगह, गपबाजी पूरा बंद, पूरा बंद कर दो, पूरा दिन चलेगा कि तुम्हारा दिन तो 24 घंटा में होता है, 24 घंटा में तुम तो 6-7 घंटा 8 घंटा सोते रहते हो, बाकी समय जो है वो चलाते रहे, चाहे तुम उपस्थित हो नहीं हो चलते रहे, कोई भी आए सुने। ये व्यवस्था किया अभय प्रभु जी, जाके देखना कितना बड़ा भक्त है, अरे बाप रे बाप, उसको हम गाले लगाते चुम्बन करते हैं, इतना बड़ा भक्त है लेकिन कोई नहीं जानता, देखने में वो ब्रह्मचर्य है छोटा काटा, इतना बड़ा साधु है, साधु का लक्षण हर वक्त वो पूरा नाट्य मंदिर में चला के रखा, पूरा हर वक्त कोई भी गंगा स्नान में आए, किसी भी मंदिर में आए, दर्शन कानों में दो चार शब्द आए तो उसका मंगल,
किस लिए मठ खोल के रखे हो, मठ की किस लिए खोल के रखो, हर कब मंगल करने के लिए नहीं, ऐसा करते रहो। तो ये जो है आपका विचार जो है, ये जो है अब में इसमें आता है साधु का बाहर का जो बेस है उसी देखो, किसी को पता नहीं चलता कितना बड़ा साधु है, जो लक्षण है उसका जरा पता चल। ये कथा तो वो भी सुनते रहता है, हम उसका नाम बोला वो गुस्सा हो जाएगा मेरा ऊपर, आप क्यों बोला मेरा नाम। वो ये जो है जो शुद्ध सतो गुण में अधिष्ठित होना चाहिए, शुद्ध सतो गुण, शुद्ध सतो गुण में अधिष्ठित होने का बाद उसको क्या होगा, भजन शुरू हो, शुद्ध भजन शुरू हो। और भक्ति क्या करे, मैंने बोले जरा त्वासु जा कोशम निर्गिरणम अनलो यथा। ये जो भक्ति है भले यहां बताया कि ये क्या करे, जैसे आग में किस चीज को जलाओ, किसी चीज को आग में फेंक दो, किसी चीज को आग में फेंक दो तो क्या होगा, वो जल के खत्म हो जाए। ऐसा माफिक वचन अनिमित्ता भगवतीर भक्ति सिद्धेर गरियशी जरा त्वासु जा कोसम निर्गरण मनलो यथा। आग जैसा किसी वस्तु को जला के छाई बना देता, राग बना देता ना, ऐसे ही भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति नहीं भक्तु का प्रादुर्भाव, भक्ति स्टार्ट हुआ उसी समय से क्या होगा, आपका नाम जो है, नाम हृदय में उदित हुआ, संसम करोड़ों जन्म का जो पाप राशि है सारे जल के खाक हो जाता। जैसे हमने देखा है खड़गपुर में श्री जनार्दन गोसाई महाराज जी का आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में जिंदगी में एक ही बार गए, एक ही बार उसका जो श्रीपाठ है, एक ही बार, हमारा समय नहीं मिलता, जिंदगी में एक ही बार गया जाके उधर, बामन गोसाई महाराज भी उसको बहुत प्यार करते हैं, जनार्दन गोसाई महाराज जी, वहां जाके हरिकथा बोला। बस जिस दिन हम आने वाला है आविर्भाव तिथि है, मना के हम संध्या को हम चल जाएंगे, अचानक देखा किसी ने वो जो गौ माता का खाने का जो बिजली है, बिजली में कोई मैचेस मर दिया कि क्या हुआ, पूरा जल रहा है, पूरा सत्यानाश हो गया, पूरा कथा पता सब नष्ट हो गया। पुलिस वाले आए, किसी ने बदमाशी करके किया, पूरा पूरा गौ माता का खाना एक साल का पूरा जल के, पूरा छ महीना का एक साल का पूरा, ऐसा भी बदमाश आदमी है। तो ये हम उस दिन देखा, सारे इतना खर है महाराज वो जाल के पूरा, ऐसा ही तुम्हारा हृदय में करोड़ों जन्म का जितना सारे पाप है, हैं सारे जल के खाक हो जाएगा। जब हरिनाम नाम का जो वास्तव वस्तु है ये अगर हृदय में उदित हो, तद ब्रह्म साक्षात कृत निश्चयापि बिना समयाति बिना न भोगोई, ये सब श्लोक का व्याख्या, कौन सुने, सुनने वाला कोई है ही नहीं। जब हरिनाम हृदय में, एक हरिनाम, एक है ज्यादा नहीं, एक एक वास्तव हरिनाम, एक वास्तव हरिनाम अगर हृदय में उदय हो जाए उसके द्वारा क्या, भले वास्तव हरिनाम तो दूर की बात है, नाम की आभास, नाम बोले तो अपराध हो जाएगा मेरा, नाम की आभास अगर उदय होए उसका साथ सारे पाप राशि प्रज्वलित हो जाए, जल के खाक हो जाता। हरिनाम उदय होने के साथ प्रेम जागृत होगा, क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारा नाम अपराध हो रहा है, इतना सारे कीर्तन, इतना सारे सब नाम अपराध हो रहा है, नाम अपराध, नहीं तो प्रेम हो जाता, प्रेम आ जाएगा, समझा मेरा बात। इसलिए चैतन्य चैतन्य का विचार जो है बड़ा गंभीर है, एक कृष्णा में जो आभास है उसके द्वारा पूरा पाप, नामाभास, नामाभास से मुक्ति, मुक्ति मतलब संसार जड़ो संसार से मुक्ति, लिखा हुआ है ना शास्त्र का सिद्धांत, नामाभास से द्वारा मुक्ति होगा, ये हो नहीं रहा तो फिर नामाभास भी हो नहीं रहा, नाम अपराध हो रहा है। जगदानंद पंडित का जो प्रेम विवर्तो ये पढ़ना डेली, ये नहीं समझना बड़ा साधु बन गया, डेली जगदानंद सब बोल करके जगदानंदो का प्रेम विवर्तो इधर चर्चा करो डेली। भक्ति विनय ठाकुर जैव धर्म पढ़ा कभी,
जयवेदन पढ़ के देखो, जयदन में भक्ति में ठाकुर लिखा प्रेमदास बाबाजी में परमहंस बाबाजी महाराज डेली बैठ के गोद्रूम का बात है ना उधर देखो के परमहंस बाबाजी डेली ये जो है जगदानंद का प्रेम विवर्तो चर्चा करते रहे पाठ करते हैं आंसू लेकर। अगर तुम्हारा जिंदगी में जगदानंद प्रेम विवर्तो का जो व्याख्या है समझ में आया और गुस्सा नहीं आया तो ये समझ लो ये जिंदगी में सक्सेस हो जाएगा, और नहीं तो होगा नहीं, कोई भी होगा जितना बड़ा साधु बन के बैठे हो कुछ नहीं होगा। जगदानंद प्रेम विवर्तो जब आपका हजम होगा तब आपका आप साधु बनोगे, नहीं होगा नहीं, कभी भी साधु नहीं बनोगे, इतना कठोर बात है। सदा नाम अपराध हो रहा है लिखा हुआ है जगदानंद बोल, कभी कभी नाम भाष सदा नाम अपराध आ साधु संगे कृष्ण नाम। आप अगर बोले मैं कृष्ण नाम हो क्यों नहीं रहा, क्यों हो नहीं रहा, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जीते हर कोई वस्तु कोनो वस्तु नहीं, साधु संग करो वास्तव अंतर से। साधु संघ का मतलब ये नहीं तो उसका शरीर के साथ लगा के बैठे, कितना भी हम देखे हैं तो शुद्ध गुरु वैष्णव का सेवा करते करते पतन हो गया क्योंकि उसका जड़ बुद्धि आ गया। संघ का मतलब ये नहीं शरीर का संघ करो, मानस में संघ करो, उसका सिद्धांत तो उसका विचार करते रहो, इसका विचार सुनोगे तो देखोगे जितना भी है जब वाणी का नहीं सेवा करोगे तो होगा नहीं, वाणी का साथ साथ सेवा करना पड़ेगा तब तो कुछ नहीं होगा। तो इधर जो विचार बताया कि तुरंत ही क्या करे, ये भक्ति आविर्भाव होने के साथ साथ अंतर में जितना सारे अंतर में जितना सारे काला दाग है पाप राशि है सारे जरा त्वासु जान कोशम निर्गर्ण मनोलो यथा हृदय अंतकरण में जितना सारे पाप है सारे जला के एकदम साफा कर दे। उसके बाद भजन करते करते हृदय इतना परिष्कार हो जाता निर्मल हो जाता तो उस समय भगवत दर्शन जो लोग शुद्ध नाम करते हैं शुद्ध नाम के साथ साथ हृदय में नाम धाम परिकार वैशिष्ट सबका दर्शन होते रहते। शुद्ध नाम का क्या मतलब है, शुद्ध नाम का मतलब है शुद्ध नाम करते करते तुम्हारा हृदय में धाम नाम सब आएगा, साधु का हरि कथा अगर ना आए तुम्हारा नाम उल्टा हो रहा है, चिंता इधर गया कटक में मन चला गया बालेश्वर में तो उल्टा होगा नहीं। नाम करते करते ओ उसका जो सिद्धांत तो है वो सब चर्चा होते रहे तब तो साधु संग। एक साधु है कितना 12-15 साल हो गया चला गया तो उसका संग हमारा नहीं हो रहा है क्या, क्योंकि उसका वाणी है सुने हैं हम वाणी को विचार करते रहते हैं तो हमारा उसका संग हो गया। गुरु जी बोलते थे कोई अगर संग नहीं मिला तो चैतन्य भागवत जो है उसको पाठ करते रहना, संसार में रहते हो भी चैतन्य भागवत दरवाजा कुंडा लगाकर चैतन्य भागवत का पाठ करो। चैतन्य भागवत पाठ करने से क्या होगा, उसमें जो भक्त लोगों का प्रसंग आएगा वो तुम्हारा संग हो जाएगा। परम पूज्य केशव कुशी महाराज बार बार बोलते थे जे देखो दुष्ट संग करना बहुत खतरनाक है, उसे तो चुपचाप रहो और ये वाणी संग करो। संत लोगों के जो वाणी है और जो चैतन्य भागवत आदि सब इसका श्रवण करो। केशव गोस्वामी महाराज बोलते थे बार बार दुष्ट संग करने से वाणी संग करना कई गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वाणी संग करने से हमारा संग हो जाएगा। हम पाठ करते हैं, पाठ करते बाहर चिंता करें कैसे, चैतन्य भागवत पाठ करें तो उसमें हमारा संग हो जाएगा। इससे हर भगत चैतन्य भागवत जगदानंद प्रेम विवर्तो मनोशिक्षा उपदेशामृतम श्रीमन महाप्रभु शिक्षा चैतन्य शिक्षामृत जितना जैव धर्म जितना सारे ग्रंथ हम बोला ये सब कम से कम गीता का कम से कम एक श्लोक दो श्लोक का व्याख्या गौड़ीय व्याख्या का सहित डेली श्रवण करो, नहीं तो किसी संतों से पूछ लो। ऐसा करके आप चलते रहोगे तो आपका चरम मंगल का रास्ता खुल जाए, नहीं तो होगा नहीं, ऐसा करते रहो। तो इसका बात क्या होगा, जब नाम करते करते कीर्तन करते करते हृदय जब निर्मल हो जाए, निर्मल हृदय में क्या होगा जो आपका जो हरिनाम है कीर्तन है इसके द्वारा ठाकुर जी स्वयं हृदय में प्रकट हो जाए। क्या भागवत का महिमा जो है वो कीर्तन है, चतुस्सन जी जो है वक्ता है
बोलते बोलते क्या हुआ, सारे हरिद्वार में कीर्तन शुरू हो गया। चतुस्सन जो है, चतुस्सन भगवत भक्ता, करते करते सारे आ गया तमाम दुनिया। भक्ति देवी के बारे में हम तो डिटेल्स नहीं चर्चा किया, भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेकर कथा में बैठी हुई है। ज्ञान और वैराग्य दोनों अस्वस्थ है, वृंदावन में उसका कोई ग्राहक नहीं है। और हरिकथा के सहस्व धारा बोल के जो जगह है, वह हरिकथा हो रहा है। हाँ, होते होते क्या सब आ गया, सुखदेव गोस्वामी आ गया, अर्जुन आ गया, अर्जुन सर्ग सर्वराज इंद्र आ गया, सारे एकदम कीर्तन हो रहा है, जोरे कीर्तन हो रहा है, जोर से हरि कीर्तन। हाँ, वहां लिखा हुआ है क्या, बोले हरि कीर्तन हरि कथा होते होते तुरंत उधर ठाकुर जी का आविर्भाव हो गया, लिखा हुआ है। उधर कीर्तन चल रहा है, मृदंगो हरि कथा चल रहा है, चलते चलते श्याम सुंदर का आविर्भाव हो गया। आप भक्ति देवी भी नृत्य शुरू कर दी, और ज्ञान वैराग्य दोनों ही सुस्त हो गया और नृत्य करना शुरू कर दिया। कितना सुंदर, देखो सारे वह जितना सारे सारे नृत्य करना शुरू कर दिया, ठाकुर जी का स्वयं आविर्भाव हो गया। ऐसे तो हमारा शास्त्रों का विचार है ही है, मत भक्त यत्र गायन्ति तत्त्वदिष्ठा मे नारद, हे नारद मेरा भक्त लोग जहां कीर्तन हरिकथा बोलते रहते हैं, कीर्तन करते वहां मैं रहता हूं, गारंटी है। वहां आपको ना दिखे तो क्या करें, लेकिन वो कथा में ठाकुर जी स्वयं रहता है, उसमें दर्शन भी हो जाता। और ये सब दर्शन है, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पसंति ते मे रुचिराम्ब संतो प्रसन्न भक्त्यारुणा लोचनानि, वचन पसंति ते मे रुचिराम्ब रुचिरानि अम्ब संत्य हो प्रसन्न वक्ता रुणलोचनानी रूपानि दिव्यानि वरो प्रदानी स्वाकम वाचम स्पृहणीयम बदंती। पहले ऐसा कीर्तन करते करते हे देवी हृदय में आप देखो भगवान का दर्शन भी हो जाए। कैसे, वचन पसंति ते मे रुचिरानी अम्ब संतो प्रसन्न वक्ता रुणलोचनानी रूपानि दिव्यानि वरो प्रदानी स्वाकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। हृदय में हे जननी ये साधुगण मन को रूप गुण का कीर्तन करते करते हृदय में जतिनमय भगवान का वो कीर्तन वो रूप, ठाकुर जी का जो हरिकथा कीर्तन है ये अगर वास्तव करोगी तो हृदय में दर्शन भी हो जाए। साक्षात गुरु जी के पास हम लोग हरिकथा सुनते थे, हरिकथा सुनते थे चोख आंखें मूंद कर, हरिकथा सुनते सुनते लगता था गुरु जी जो बोल रहे हैं सारे उसमें पहुंच गया। हरिकथा वास्तव सुन रहे हो कि आप कैसे सुने, इधर इतना आदमी है उसमें कौन आदमी वास्तव सुन रहे, हम कैसे सुनिए। जिसका दिल में ऐसा भाव हुआ कथा का साथ साथ जो चर्चा हो रहा है उसमें पहुंच गया, उसका नाम है क्या, वास्तव हरिकथा सुन। इसको गौर में ले आना, पीटना शुरू कर दे, लाठी देना, आज एक लाठी दे देना उसको, पिटाई शुरू करे सुधरेगा नहीं, जल्दी गए बार सुधरेगा नहीं, क्या करे, ऐसा ही है। तो जो है हमारा संग नहीं करता ये लोग, ये मत सोचो कि ये लोग हमारा संग है, हमारा संग कहीं नहीं करता, हमारा संग ये लोग नहीं करता, ये मत सोचो। कभी कभी कथा हो तो जोर जोर से हमको श्रद्धा रखता आता है, हमारा संग ये लोग नहीं करता, हमारा साथ रहता भी नहीं। जो भी है हमारा संग करे तो उसका मंगल होए जो जरूर, लेकिन संग नहीं करता। तो जो है इधर क्या बताया था, बोले ये जो हृदय में ठाकुर जी का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट सबका स्फूर्ति हो जाए तब इसका नाम है हरिकथा सुनना। हरिकथा सुनते सुनते अगर उस विषय पर पहुंच जाओ, मन का लगन लग गया बिल्कुल उसमें पहुंच जाओ तो उसका नाम है हरिकथा सुनना, नहीं तो हरिकथा सुनना बेकार है, बेकार। एक हरिकथा सुनने के साथ साथ जिंदगी का हमने देखा, हमारा एक बात सुना उसका जिंदगी पूरा परिवर्तन, एक बात आप लोगों का ना जाने क्या है, एक बात सुना एक दिन उसके बाद पूरा जिंदगी परिवर्तन हो गया,
लेकिन अगर अपराध रहे तो होता, मैं क्या करें। तो ये जो है इसका विचार सुनते रहोगे, शंख योग का बारे में चर्चा हो पाएगा सुंदर। और कपिल जी महाराज कहते हैं कि देखो मेरा मैया को बोले देखो ऐसा रूप का दर्शन हो जाए, कीर्तन अगर कथा चलते रहे तो उसमें क्या होगा, दर्शन भी हो जाए। कथा कीर्तन चलते रहे, कथा शब्द ब्रह्म का बारे में चर्चा करते, परम केशव गोस्वामी महाराज भी बहुत बार ये सब उठाते रहते हैं सब बात। यह आदमी जो है वो सब ये सब वेदांतों का चर्चा समझेगा नहीं। इतना सुंदर बात है जो कथा है, जो कथा चर्चा हो रहा है, ये कथा का साथ साथ स्वयं भगवान है उपस्थित, इसका नाम है शब्द ब्रह्म। अगर कथा का साथ ठाकुर जी स्वयं नहीं है तो ये शब्द ब्रह्म नहीं है। आप नाम माला फेर रहे हो हरे कृष्ण इसका साथ, अगर ठाकुर जी स्वयं नहीं है तो आपका मां जो नाम है वो नामाभास या तो नाम अपरा बस सब नहीं। हरि नाम का साथ साथ साक्षात हरि उपस्थित है, नामेर सहित आछेन अपने शिहरी है ना, पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा, नामेर सहित आछेन अपने शिहरी, नाम का साथ साक्षात भगवान है। तो जिसका दिल में ये अनुवाद हुआ वो शब्द ब्रह्म उसका दिल में गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा आते रहेगा, ठाकुर जी का रूप भी दर्शन होगा। वृंदावन का चर्चा हो तो वृंदावन में पहुंच जाए, वृंदावन का लीला दर्शन होते रहेगा, वृंदावन का लीला दर्शन होते रहेगा, ऐसा होते रहेगा। और नहीं तो बेकार शोवन करो टाइम पासिंग, नहीं तो सोते रहो टाइम पासिंग हो जाएगा बस, बहुत आनंद से आपका समय गुजारा हो जाएगा, ऐसा हो। कपिल जी महाराज कह रहे हैं कि देखो माता जी मद भयाद बाती बात वयम सूर्य हो स्तपति मद भयाद बद्र मद भयाद बाती बात वयम, ये जो वायु पवन बहरे है ये मेरा डर से मद भयाद बात बाती अयम मद भयाद बाती बात वयम सूर्य स्तपति मद भया, सूर्य ताप दे रहा है, ताप दे रहा है ना सूर्य जी, ये भी मेरा डर से। और बरसती इंद्रो, इंद्रो जो वर्षा दे रहे हैं ये भी मेरा डर से, समझ के रखना। आ दहती अग्नि मद भया, अग्नि जो दहन क्रिया, अग्नि का अंदर ने दहन क्रिया जो होता है, अग्नि नहीं तो रोसी कैसे करोगे, हजम कैसे होता है शरीर, छुपा हुआ अग्नि है वैश्यनार अग्नि, वैश्यनार अग्नि का रूप में अंदर में है, इसलिए ऐसा है हजम होता है, इतना खाते हो गए हजम कौन कराता है। ठाकुर जी गीता में बोला वैश्यनार अग्नि का रूप में मैं जीवों का शरीर में रहते हुए वो पचन कराता हूँ, जितना हमारे खट्टा मीठा झाल तेल सब खा लिया उसको मैं पचामी चतुर्विधो जो तो रस है उसको मैं हजम कराता हूँ अग्नि रूप है। और ये जो है और मृत्युश्चरति मद भयात, मेरा डर से जमराज अपना काम कर रहा है, मेरा डर से जमराज काम कर रहे जाओ उसका आयु खत्म हो गया उसको लेके आए है ना, ऐसा करके सब मेरा डर से कर रहे हैं, सब मेरा डर से सब काम कर रहा है। मद भयाद बाती बात वयम सूर्यो स्तपति मद भयाद बरसत इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयाद, मेरा डर से मृत्यु चर चर रहा है सारो, इसका आयु खत्म ये लेके आओ सब जा रहा है। देखो कैसा बात है, ठाकुर जी स्वयं ये सब काम कर रहा है सारे, लेकिन किसी को पता नहीं, वो सोचता है कि सार सूरज भगवान, क्या साइंटिस्ट लोग क्या सूरज लाए, इतना अकलमंदी इतना बुद्धि कम है साइंटिस्ट लोग को बोले ए बेटा ये सूरज है कौन लाया, तेरा बाबा लाया क्या, कौन लाया है सूरज, ये जो वायु चल रहा है कौन लाया, इतना वृष्टि हो रहा है इतना झान चाल कौन लाया, विज्ञान लाया का मूरख कहीं का, कोई सोचता भी नहीं, भगवान नहीं है, हाँ भगवान नहीं ऐसे ही चल रहा है, तुम्हारा घर है बारी है उसका कोई मालिक नहीं है, कोई भी चीज हो उसका मालिक तो होनी चाहिए, मालिक है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा करके भगवान ने बताया कि देखो मेरा डर से बातास बह रहे वायु पवन देवता
सूर्य ताप दे रहे हैं, सब इंद्र वर्षा दे रहे, सब सब मेरे डर से। ये अगर समझ के रखो, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पाद मूलम मे प्रविशन्ति कुतो भयम्। अले क्या होता है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन, ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति योगेन योगिनः क्षेमायो पाद मूलम मे प्रविशन्ति कुतो भयम्। योगी लोग जो भजन करते रहते, वो क्या अंतिम में क्या होता है, मेरा ही चरण को प्राप्त करता, मेरा चरणों में प्रविष्ट हो जाता है। एतावनेव लोके अस्मिन् पुंसाम निश्रियो सयोद निश्रियो सयोदयो तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यार्पितम स्थिरम। एतावनेव, इस तक मेरा जो विचार आपको बताया, यही जीवों के लिए सक्सेसफुल 100% परफेक्ट चीज है। एतावनेव लोके अस्मिन् पुंसाम निश्रियो उदयो, निश्रियो श्रेयो और प्रेयो, प्रेयो है हो, निश्रियो से निश्रियो मतलब एकदम विशुद्ध, श्रेयो मतलब क्या है, और प्रेयो मतलब, प्रेयो मतलब जड़ जगत का विषय का जो कामना होता है प्रेयो, और श्रेयो मतलब जिसमें मंगल हो जाए पर, और निश्रियो स मान निश्रियो सोदयो निश्रियो उदयो निश्चित रूपेणो, जे ये जो श्रेय उदयो, इसलिए बताए निश्रेयसो उदयो माने एकदम विशुद्ध रूप में आपका मंगल का व्यवस्था हो जाए, मंगल में भी कोई मिलावट नहीं रहेगा, विशुद्ध रूप में। इसलिए बताया तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यार्पितम स्थिरम, जिसका मन हमारा भक्ति में बिल्कुल स्थिर हो गया तो वो सोच लो कि वही वही सब सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति करते करते मेरा विशुद्ध भक्ति मेरे में उसका बुद्धि चित्त बुद्धि जो है वो स्थिर हो गया, यही माता जी सोच लो कि भजन का सिद्धि है, माता जी को बताए। इसके बाद सायंकालीन अधिवेशन में सांखो योग का चर्चा होगा, और उसका पहले कैसे हमारा कीर्तन करते करते अपराकित हो जाए, इसका विषय में ना चर्चा करें तो आप लोगों का अंदर में संशय संदेह आ जाए, इसका विषय में जरूर जल्दी आना। काल जो नहीं हो पाया, काल बड़ा दुखी हो गया मैं, कैसा क्या है, चर्चा अच्छा नहीं हो पाया, आनंद नहीं हुआ बिल्कुल, कुछ तो कारण होगा जरूर, तो ठाकुर जी जाने, हमारा भी थोड़ा अनुभव में आया लेकिन बोल नहीं पाए, बोलेगा नहीं। तो सतां प्रसंग्याद मम बीर्ज संविदो भवंतीर्थ कर्ण रसायन खतः तज्जोसनाद आसु अपवर्गवत्मनि श्रद्धारोतिर्भक्तिरनुक्रमेश्वति वांछा कर्पदर्वस्य के पासिंद पतितानं पावन भविष्णव्यो नमः।